हे गाइज, कैसे हैं आप? सुमित करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप जो हमारे स्क्रीन पर नॉर्मल फोटो देख रहे हैं, इस नॉर्मल फोटो को मैंने कुछ इस टाइप से कुछ सेकंडों में एडिट किया है। आप भी अपने खुद की मोबाइल फोन से स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। अगर आप सबके पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है, स्नैपसीड एप्लीकेशन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। आपको जहाँ मिल जाएगा प्लस का आइकन, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जिस भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों आपको ये कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। आपको जहाँ मिल जाएगा पेंसिल का आइकन, आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ मिल जाएगा टोन इमेज, आपको टोन इमेज पर क्लिक करना है। टोन इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ मिल जाएगा एडजस्ट का ऑप्शन, आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। एडजस्ट पर क्लिक करने ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है, उसके नीचे आना है कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके नीचे आना है सेचुरेशन, इसको अमाउंट को आपको 100 कर लेना है। उसके नीचे आना है एम्बुलेंस में, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेना है। उसके नीचे आना है शैडोज को थोड़ा कम कर लेना है। उसके नीचे आना है वर्थम, वर्थम को भी थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद दोस्तों आपको साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा अंडू का ऑप्शन, आपको अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ मिल जाएगा व्यू एडिट पर क्लिक करना है। व्यू एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा टोन इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो मिल जाएगा बीच का आइकन, आपको बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। बीच वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। फेस पे जो भी रेडनेस का इफेक्ट आया है इसको आपको आसानी से रिमूव कर लेना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो आराम से कीजिएगा। गाइस, रिमूव करने के बाद आपको साइन वाले मार्क पर क्लिक कर डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा एरो का आइकन, आपको इस पर क्लिक करके बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको जो मिल जाएगा HDR स्पेस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है और फिल्टर स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर लेना है और उसके नीचे ना सेचुएशन इस अमाउंट को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से, और ब्राइटनेस को भी आपको बढ़ा लेना है। साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू एडिट में आना है दोस्तों। व्यू एडिट में आने के बाद आपको HDR स्पेस पर क्लिक करना है, बीच में आना है, और उसके बाद आपको यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों इस एरो का आइकन को जीरो कर लेना है। जीरो करने के बाद फोटो को जूम आउट करना है और जो पहले किए हैं फेस पर से रिमूव रेडनेस जो इफेक्ट था उसको फिर से आपको रिमूव कर लेना, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। करने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है और आपको यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है मिल जाएगा सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन। सिलेक्टिव टूल पर क्लिक करना है और सिलेक्टिव टूल पर क्लिक करने के फेस पर कुछ इस टाइप से टैप करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसको जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। जूम आउट करने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ाना है और नीचे आना है सेचुरेशन में, 3 4 9 3 9 मिलेगा, उसके अमाउंट को कम कर लेना है। साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा पोर्ट्रेट पर क्लिक करना है। पोर्ट्रेट पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देगा, नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो है मिल जाएगा स्मूथ टू मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। स्मूथ टू पे क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट में आना है स्क्रीन स्मूथी, इसको आपको 100 कर लेना है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मेरा फोटो पहले कुछ ही स्टेप से था और यहाँ पे फोटो एडिट हो चुका है। इस फोटो को सेव करने के लिए आपको जो है मिल जाएगा एरो डाउन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तक इंटरफेस दिख जाएगा। आपको जो है मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फोटो आपको हो जाएगा सेव। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।